brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया अलायंस की बड़ी रैली रामलीला मैदान पर उसका आयोजन हुआ। इस बीच कुछ लोग हमें मिले, गुड़गांव से आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड पर रहते हैं। अच्छा, आप लोग, क्योंकि मैं महिलाओं से खास तौर पर बात करूंगी, आप लोग ग्राउंड पर रहते हैं, क्या महिलाओं के मन में आता है जब एक आपके मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की जाती है, आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? देखिए, आपको सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का काल है, अपने ही मंत्री को छोड़ते नहीं हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार किया है, जैसे वो भाजपा का भगवा कपड़ा पहन लेते हैं तो उनके सारे वॉशिंग मशीन में सारे पाप धुल जाते हैं। तो सब पूरा इंडिया जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि अरविंद केजरीवाल इनोसेंट है, उनको एक फेक केस में फंसाया गया है। इलेक्शन के दौरान जब ये पूरा आचार संहिता लगने के बाद उनको अरेस्ट करना, ये दिखाता है कि तानाशाह जो है डरे हुए, उनको पता है कि 100 से ज्यादा सीटें आने नहीं वाली हैं, 400 पार का फेक नारा लगाए हुए हैं, सारे ऑपोजिशन को परेशान कर रखा है, ईडी सीबीआई के माध्यम से हमें बस परेशान कर रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। मैं आपको विश्वास दिला देती हूँ, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। आपको भी ऐसा लगता? हाँ जी, बिल्कुल लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले। जिस तरीके से कोर्ट में मामला चल रहा है, ईडी की कस्टडी जो है वो बढ़ती जा रही है, अरविंद केजरीवाल की 2 बार कस्टडी जो है, अभी भी वो कुछ और दिन कस्टडी में रहने वाले हैं। देखिए, संजय सिंह जिस आदमी ने अडानी के जो पूरे खुलासा किया उनके भ्रष्टाचार का, उनको उन्होंने 6 महीने से जेल में डाल रखा है। जिस आदमी ने अच्छे स्कूल दिए मनीष सिसोदिया, वो 1 साल से जेल में है। जिस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिए सत्येंद्र जैन, वो 1.5 साल से जेल में है। और ये पूरी गुड गवर्नेंस की क्रांति जो अरविंद केजरीवाल लेके आए हैं, पूरे दिल्ली के करोड़ों लोगों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, फ्री बिजली दी, पानी दिया, महिलाओं को बस सर्विस फ्री दी, एक देश कैसे तरक्की कर सकता है उसके विचारधारा को लेके आगे बढ़े हैं। जो इतने 75 ईयर्स में कभी नहीं हुआ था कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट से अच्छे हो गए, उस आदमी को ये पनिशमेंट दी जा रही है कि उसको एक फेक केस में डाल के जेल में डाला जा रहा है। सत्य जो है दबाया तो जा सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। रामलीला मैदान वो ऐसी जगह है जहाँ जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन हम इकट्ठे हुए थे लोग, यहाँ पे मैं तब से आ रही हूँ। 2015 में यहाँ अरविंद जी ने पहली बार, दूसरी बार शपथ ली थी, तीसरी बार 2020 में ली थी। हम हर बार और दिल से उनके साथ जुड़े हुए हैं। मोदी जी जितना भी दम लगा लें, जनता जो है इनको पराजित करके रहेगी। रावण का भी घमंड खत्म हो गया था, कंस का भी अंत आ गया था, मोदी जी तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा, आज आपने सुना सुनीता केजरीवाल जी का भाषण, आपने सुना, एक महिला होते हुए बार बार कहा जा रहा था वो आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन आई वो। और हमने देखा कि जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं उसके बाद से सीट पर भी वो ही बैठी हुई नजर आ रही हैं, उन्हें लेकर क्या कहना है? भाषण भी वो दे रही हैं, फोरफ्रंट पे वो नजर आ रही हैं, एक महिला होते हुए आपको लगता है और एक पत्नी होते हुए आगे जो वो आई हैं वो सही है आपके मतलब? बिल्कुल सही है, वो अपने पहले तो सबसे पहले अपना पत्नी धर्म निभा रही हैं कि उनके साथ मजबूती से खड़ी हुई हैं, और दूसरा फिर वो पहली बार हमने उनको मंच पे देखा, उनको पहली बार हमने सुना है, बहुत अच्छा भी लगा। और लगा कि वो एक पत्नी जितना सपोर्ट करती है कि उतना कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग पूरी पब्लिक जो भी है अपना, हम लोग गुड़गांव से हैं, दिल जान से हम केजरीवाल जी के साथ लगे हुए हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि वो जल्दी बाहर भी आएंगे। आप क्या कहेंगे, एक महिला होते हुए सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की पत्नी है, आज सेंटर स्टेज पर एकदम दिखाई दे रही है, भाषण दिया, जो कि उनको जाहिर सी बात है भाषण देने की आदत उनको नहीं हो? जी, मैंने देखा कि आज उन्होंने भाषण दिया है और उन्होंने सारी महिला सशक्तिकरण को ये बताया है कि अगर हम घर अच्छे से चला सकते हैं तो हम यहाँ पर भी जो विश्व स्तर पे भी कितने अच्छे से काम कर सकती हैं, तो वो यही उदाहरण देते हुए ये बताना चाह रही हैं कि भाई मैं केजरीवाल की तरफ से यहाँ पे आई हूँ और सारी पब्लिक को देख के यही बता रही हैं कि भाई किस तरह वो खड़ी हैं। और क्योंकि आप जब ग्राउंड पर जाते हैं और जो आरोप लग रहे हैं, विपक्षी पार्टियां सभी ये आरोप लगा रही हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी सीबीआई और तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जब आप
सड़कों पर जाते हैं, अपने लोगों के बीच जाते हैं, आपको लगता है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सारी बातें सुनकर अरविंद केजरीवाल के लिए कोई सिंपथी या उनकी तरफ जन भावना जो है वो बढ़ी है, आपको ऐसा लगता है? आपको एक बात बता दूं, अरविंद जी ने को अरेस्ट करके मोदी जी ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। अब ये जो इनका काल बन के उठेंगे ना, जनता के मन में इतना ज़्यादा रोष है, इवन जो मोदी सपोर्टर है वो कह रहे हैं यार ये तो बहुत गलत हुआ है। तो जब भगत सिंह जेल गए थे ना, यही सोच के गए थे कि ये जो मेरे जेल जाने से या मेरे शहीद होने से जो ज्वाला लोगों के अंदर निकलेगी उससे आज़ादी मिलेगी, और ये जो गुस्सा फूटेगा वो मोदी जी के ऊपर बरसेगा। 4 जून को आप देख सकेंगे, हम सब सेलिब्रेट करेंगे, और अरविंद जी भी बाहर निकलेंगे, संजय सिंह भी बाहर निकलेंगे, मनीष सिसोदिया भी बाहर निकलेंगे, सभी के सभी बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये लोग देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, एक साधारण आदमी के साथ खड़े हैं, अपने दोस्तों के प्लेन में बैठ के फॉरेन कंट्रीज में उनके लिए नए नए अकाउंट लेके आ रहे हैं, उनके लिए बिजनेस ला रहे हैं। जो 300 करोड़ का आदमी था, आज वो 3 अरब का रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में आ गया है, वो उल्टे सीधे काम नहीं कर रहे, झोला उठा के जाने वाले फकीर जो है उनका जाने का टाइम आ गया है, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या होने वाला है, आप मानते हैं जो ये बात कह रही हैं मोदी जी जाने वाले हैं, और इंडिया अलायंस क्या आने वाला है इस बार? हम पहले भी बहुत सशक्त थे और बहुत स्ट्रांगली ये बोलते थे कि मोदी जी जाने वाले हैं। अरविंद जी के अरेस्ट के बाद तो हम और भी नारा हमारा गूंज रहा है ऊंचे से कि मोदी जी वो एजेंसीज का दुरुपयोग ठीक है, लीडर्स को अरेस्ट करना चलो एक बार वो भी हजम हो गया, बट एक हिसाब से जब इलेक्शन के दिनों में आप अपोजिशन को एक एक करके जैसे आप टंगड़ी अड़ा रहे हो और गिरा रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रोजन हो, अरविंद जी को अरेस्ट हो, हेमंत सोरेन जी का अरेस्ट है, अब आगे पता नहीं क्या लाइन में है, तो इस चीज़ के लिए तो बीजेपी, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी मेरे को बीजेपी के कई ऐसे सीनियर लीडर्स के व्हाट्सएप मैसेजेस पड़े हैं जो कह रहे हैं चलो जो हो गया तो हो गया, चलो ना करते तो अच्छा था, बट अब कर लिया है तो हम आपको खुलेआम नहीं बोल सकते कि गलत किया, बट हाँ करना नहीं चाहिए। कौन 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 कह रहा है ऐसा? ये मैं सर मैं नाम नहीं मीडिया के सामने ले सकता, बट आपको मैं पर्सनली जरूर दिखा सकता हूँ। क्या कह रहे हैं? कि जो किया नहीं होना चाहिए था, बट ये खुलेआम नहीं बोल रहे हैं, बट ये जरूर कह रहे हैं नहीं होना चाहिए था ऐसा। जी, और ईवीएम को लेकर हमने, क्योंकि लोकसभा की कवरेज इस वक्त आप देख रहे होंगे न्यूज तक पर चल रही है, उसमें कई लोगों का ये कहना है कि ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बन गया है, हर कोई कह रहा है कि ईवीएम में क्या गड़बड़ है, विपक्षी लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं ईवीएम को लेकर, ईवीएम को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, ईवीएम को लेकर आरोप नहीं लग रहे, ईवीएम के जितने भी तथ्य हैं वो सामने आ चुके हैं। जब हम इलेक्शन कमीशन से मिलने जाते हैं और जो बोलते हैं कि जो रसीट निकलती है आप उस रसीट को काउंट करवा लीजिए, तब भी इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुनता। क्या आपको लगता है ये बात जायज़ है? इलेक्शन कमीशन के 4 डायरेक्टर्स को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिज़ाइन करा के भाजपा के अपने बंदे वहाँ जाके बैठते हैं, क्या ये जायज़ है? आपको लगता है इलेक्शन जो है वो फेयर होगा? हमें नहीं लगता कि इलेक्शन फेयर होगा। अगर मोदी जी इतने ही अच्छे हैं तो जिन कंट्रीज़ ने ईवीएम का आविष्कार किया था आज वो ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर पर जा रहे हैं, तो हमें क्या डर है? हमें यही तो डर है ना कि हम हार जाएंगे। ये जो ईवीएम, आप चाहे आपने देखा हो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे आपने राजस्थान का चुनाव देखा होगा, आप लोगों को चैनल पे दिखाया जाता है कि इस जगह से इतनी ईवीएम मशीन बरामद हुई, इस जगह से इतनी ईवीएम मशीन बरामद हुई, तो क्यों नहीं हमारी इलेक्शन कमीशन इस पर कोई एक्शन लेती? क्या ये गलत नहीं है? अच्छा, हाल में हमारा एक शो है जिसका नाम है मंच, उस पर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है SY कुरैशी वो आए थे, और हमने उनसे ये सवाल पूछा था कि जब ऑपोजिशन पार्टीज अगर उन्होंने एक कंसर्न रेज किया है तो उसको इलेक्शन कमीशन एड्रेस क्यों नहीं कर रही, तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि कम से कम इलेक्शन कमीशन को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जहाँ पर कम से कम उनके जो भी मन में शंका है उसे दूर करना चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ पहल इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए मैम, उनको इस चीज़ को, अगर हमारे को फेयर इलेक्शन कराने हैं, अगर हम चाहते हैं इस कंट्री के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहे, तो हमें फेयर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, वरना हम एक सरकार के पीछे ही लग के रह जाएंगे, यहाँ पे भी तानाशाही चल जाएगी। इस बार अगर मोदी जी आ गए तो उसके बाद 29 में बोलेंगे चुनाव ही नहीं होगा, उसके बाद वो बोलेंगे जैसे आपका, आपने देखा होगा रशिया है साउथ कोरिया, यहाँ पे यही तो होता है, चुनाव नहीं होगा अब जो बोलूँगा मैं ही बोलूँगा, सर्वस्त्र मैं ही हूँ।